नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंजाब स्थित मुक्तसर में कोरोना के चलते काम छीनने की वजह से मां बेटी ने गलत रास्ता पकड़ लिया। मेरी जानकारी के अनुसार कोविड के चलते मां बेटी की नौकरी चली गई। रोजमर्रा का खर्च चलाने के लिए वह जिस्म फिरोसी के धंधे में उतर गईं। पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद उनके घर पर ही छापा मारा गया। मौके पर माँ बेटी और दोनों अन्य युवक के साथ पाए गए। पुलिस ने तत्काल चारों को गिरफ्तार किया, इसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस ने जानकारी दी कि मुक्तसर स्थित मलोड़ के नानक नगरी से कई दिनों से यह सूचना मिल रही थी कि मां बेटी जिस्म फिरोसी के धंधे में लिप्त हैं, इसका बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर छापा मारा। छापे में मां बेटी के अलावा दो युवक भी पाए गए। दावा किया जा रहा है कि ये युवक जिस्म फिरोसी की नियत से मौके पर आए थे। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना के चलते काम नहीं मिल रहा था, ऐसे में महिलाओं की आर्थिक हालत खराब हो गई थी और वह इस रास्ते पर चली कि जिस रास्ते पर गंदा काम था। रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से कहा गया कि हिरासत में ली गई माँ बेटी से पूछताछ की जा रही है, इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ से अदालत के आदेश पर आगे की कार्रवाई करी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।